एवरीवन नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल रुचि स्टाइल कॉर्नर। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ अपना अमेज़न शॉपिंग हॉल। सो मैंने थोड़ा विंटर्स को ध्यान में रखते हुए शॉपिंग किया है, विंटर वेयर मैंने ज़्यादा शॉप किया है एंड मोस्टली मैंने जो कोट्स होते हैं, सो काफ़ी अलग अलग वेराइटी की चीज़ें हैं एंड दिस इज़ माई बर्थडे मंथ एज वेल, जनवरी इज़ माई बर्थडे मंथ। तो मैंने उस चीज़ को भी ध्यान में रखते हुए शॉपिंग किया हुआ है। प्रोडक्ट्स मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ, उन सभी प्रोडक्ट्स के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा। अगर आपको इसमें से कोई सा भी प्रोडक्ट पसंद आता है मैं सब ट्राई करके दिखाऊंगी सो दैट आपको और अच्छे से समझ में आए। तो कोई सा भी प्रोडक्ट अगर आपको पसंद आता है या समझ में आता है आप डेफिनेटली उसको मंगवा सकते हैं। तो यस, विदाउट फर्दर अडू लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सबसे फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने मंगवाया है वो मंगवाया है कि दिस इज अ कोट बाय हर्पा एंड दिस इज दी कोट, ऐसे ऑलिव ग्रीन टाइप का शेड है ये एंड आई रियली लाइक इट। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा, इवन इसका फिट मुझे बहुत स्मार्ट लगा, बहुत ही जो फैब्रिक है वो बहुत कंफर्टेबल है। यूजुअली जो कोट्स होते हैं ना, जो फैब्रिक थोड़े से हार्ड होते हैं, जो वो हार्ड फैब्रिक वाला नहीं चाहिए था, आई वांट थोड़ा फ्लेक्सिबल फैब्रिक हो। सो दिस इज एग्जैक्टली लाइक दैट। और इसको आप दो तरीके से पहन सकते हो, आप एक तो पैक नेक के साथ पहन सकते हो और एक आप ऐसे कॉलर्स वाले पैटर्न में पहन सकते हो। वो जब अभी मैं आपको पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा। Okay, now coming to my next product is this blazer. I really like the color. Color इसका बहुत ज़्यादा smart है, tan color में है, इसकी fitting बहुत ज़्यादा smart है। लेकिन हाँ, मैं ज़रा सी भी, मेरी अगर health, जैसे अभी मेरा जितना वेट है, अगर मैंने 2 kg भी पुट ऑन कर लिया ना तो मैं इसमें फिट नहीं हो पाऊंगी। मतलब अभी के लिए तो ये एकदम प्रॉपर फिटिंग का है, बहुत सही लगता है पहनने पे, इसके शोल्डर्स वगैरह सब कुछ एकदम, जो लुक आता है ओवरऑल वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट आता है। सो आई रियली लाइक इट, क्वालिटी इसकी बहुत अच्छी थी। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि ये वॉर्म आपके लिए, मतलब आप एकदम खतरनाक वाली ठंड में पहन सकते हो कि नहीं, सो माई आंसर अगेन इज नो, आपको अंदर इनर पहनना पड़ेगा। बट द पीस इज रियली रियली स्मार्ट, बहुत ज़्यादा स्मार्ट लग रहा था। सो ये है नेक्स्ट कोट। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट प्रोडक्ट, मैंने दो टॉप भी मंगवाए हैं फ्रॉम द सेम ब्रांड काजो। इतना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है, मतलब बट ये पास से इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है लाइव। तो मैंने ना, इसमें साइज अवेलेबल नहीं था, ना तो एक्सेस साइज था ना एस साइज था, तो मुझे लगा मैं यूजुअली बहुत सारे जो ब्रांड्स हैं उनके एम साइज़ पहन लेती हूँ, थोड़ा बहुत ही लूज होता है तो मुझे चलता है। बट इसका जब मैंने एम मंगवाया और जब मैंने इसको पहन करके देखा तो ये बहुत ज़्यादा लूज है। मतलब इसका नेक भी बिल्कुल सही नहीं आ रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसे झूल रहा है, तो अनफॉर्चुनेटली मुझे इसको रिटर्न करना पड़ेगा। आई विश कि इसमें साइज अवेलेबल होता, तो ये इतना ज़्यादा प्रिटी, मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रिटी एंड एलिगेंट टॉप है, इतना प्रिटी है। और उसका कलर पे तो मेरा दिल्ली वैसे ही मस्टर्ड येलो कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। आप देखो मैं ऐसे रख रही हूँ तो ही कितना सुंदर लग रहा है ये, सो आई रियली लाइक इट। अगर आपके साइज़ में ही अवेलेबल है और आपको ये साइज़ आता है, डेफिनेटली गेट योर हैंड ऑन दिस वन। मतलब ये मैं अपने बर्थडे डे का टॉप बनाती है, इतना प्रिटी एंड क्लासी लग रहा था। आते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट पर। तो नेक्स्ट जो मैंने कोट मंगवाया है वो है ये वाला, कुछ इस तरीके का दिखता है ये, थोड़ा सा ना स्वेटर स्टाइल में, बहुत थिक मटेरियल है, मतलब एक्चुअल ठंड में आप इसको, खतरनाक वाली जो ठंड होती है ना, आप उसमें इसको पहन सकते हैं। इट्स लाइक दैट, लुक इसका बहुत अच्छे से समझ में आएगा। काला कलर इज प्रिटी। और ये है नेक्स्ट ब्लेजर, और थोड़ा थिक मटेरियल, ये थोड़ा स्वेटर एंड, मतलब दिस इज लाइक अ स्वेटर प्लस कोट उस वाले फैब्रिक में है। Thank you.
Now next is this top from again the brand Kazo and off shoulder top है ये. जब ये आया तो मुझे इसकी fabric quality बहुत ज़्यादा amazing नहीं लग रही है to be very honest. तो I will not recommend you this top. मतलब simple सा peach color का top है and but quality wise बहुत अच्छा नहीं लग रहा है. सिर्फ normal मतलब और प्राइस वाइज भी ऑब्वियसली जस्टिफाई भी नहीं कर रहा है जितना एक्सपेंसिव ये है. तो शायद मैं इस टॉप को रिटर्न कर दूंगी. सो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. टू माई नेक्स्ट प्रोडक्ट इज दिस. एकदम जो टिपिकल वाली ठंड होती है ना उसमें पहनने के लिए, बिकॉज ये इतना जाड़ा मटेरियल है, ये बहुत लॉन्ग है. अभी तो ये आएगा भी नहीं, मैं जब इस पहन करके आपको दिखाऊंगी ना तब समझ में आएगा. तो वेरी स्मार्ट, काफी स्मार्ट सा पीस है. तो आप डेफिनेटली इसको ले सकते हैं. थोड़ा एक्सपेंसिव है, 5000 कुछ का है, बट ये मिला बहुत अच्छे डिस्काउंट पे. आई थिंक 2000 या 2500 कुछ में आ गया था ये. सो अमेजिंग डील, बहुत अच्छे ऑफ चल रहे हैं, तो आप चेक जरूर करिएगा एंड काफी अच्छे से आपकी ठंड भी रोकेगा. तो ये है मेरा नेक्स्ट प्रोडक्ट. उसके बाद अगेन मैंने एक ये ट्रेंच मंगवाया हुआ है. ये आप विंटर्स के लिए नहीं, आप कभी भी इसको पहन सकते हो. इट्स लाइक अ लॉन्ग जैकेट, हाफ है, स्लीवलेस है. नॉर्मल आप इवन वन पीस में भी इसको बहुत आराम से पहन सकते हैं. ये इस तरीके की आती है, काफ़ी लॉन्ग सी जैकेट है ना. आई रियली लाइक इट. ये मुझे सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग नहीं, मैं इसको कभी भी कैसे भी कैरी कर सकती हूँ. सो आई रियली लाइक दिस वन एज वेल. मैं अभी पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे से आपको समझ में आएगा. Now coming to my next product is this blazer. एक तो इसका fabric बहुत amazing है. This is a stylish kind of a blazer. आप देखो यहाँ पे mesh print दिया हुआ है. मतलब आप इसको किसी भी season में पहन सकते हैं. आप इसको मस्त spaghetti वगैरह पहन करके उसके ऊपर carry कर सकते हैं. बहुत smart लगेगा ये. तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसको शायद अपने birthday के दिन या अपने birthday के दिन या अपनी birthday dress की तरह carry कर सकती हूँ, because this will going to look very smart. और मुझे इस तरह के pattern के जो blazers और coats होते हैं ना, जो आप कभी भी पहन सकते हो, वो मुझे बहुत पसंद है. तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये. सो आई विल गोइंग टू यू नो आई डोंट नो मे बी पता नहीं मुझे, बट मैं इसको अपना बर्थडे के दिन कैरी कर सकती हूँ. तो मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद आया. मैं भी पहन के दिखाऊंगी तो आपको और अच्छे समझ में आएगा. उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो है ये स्ट्रेट फिट जीन्स. दिस इज़ बाय द ब्रांड मोड बाय रेड टेप. और इतनी अमेजिंग फिटिंग की जीन्स है ये. इतनी अमेजिंग मतलब दिस इज़ अ स्ट्रेट फिट जीन्स. मतलब ये आपके थाई तक तो फिटेड आएगी, उसके नीचे ये थोड़ा स्ट्रेट लुक देती है, जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है. एंड दिस काइंड ऑफ जीन्स आर इन ट्रेंड राइट नाउ. मतलब वो फिटेड जीन्स तो पहनना पसंद ही नहीं है मुझे, पसंद ही नहीं आती वैसी जीन्स पहनना. सो आई रियली लाइक दिस वन अगेन. मैं अभी पहन के दिखाऊंगी तो और अच्छे समझ में आएगा. उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट इज दिस टॉप. दिस इज द टॉप विच आई एम कैरिंग. ये वाला टॉप है, ये मैंने टॉप मंगवाया. दिस इज अ बेसिक टॉप. मुझे इस तरह के बेसिक सिंपल क्लासी और स्मार्ट टॉप बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं. दिस इज फ्रॉम द ब्रांड M&S मार्क्स एंड स्पेंसर्स. और ये भी मैंने अमेजन से ही मंगवाया है. एम साइज में है बट स्टिल ही मुझे काफी फिट आया है. तो आई रियली लाइक इट. मैं सोच रही थी L मंगवा लेती हूँ, बट मुझे लगा कि मेरे पास सारे ही टॉप मोस्टली लूज लूज हो चुके हैं, तो थोड़ा एक दो टॉप ऐसे होने चाहिए अपडेटेड वर्जन. मैं खड़े होकर के आपको दिखाती हूँ. That's it for the video. I hope you really like this video. If you do so, then do not forget to hit the like button, subscribe to my channel and comment down below. मुझे बताइएगा जरूर इनमें से कौन सा product आप purchase करना चाहते हैं या आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया है मेरे ऊपर. So yes, मैं मिलती हूँ आपको मेरे next video में. तब तक के लिए bye, take care.